आज के वीडियो में आपको कपिल शर्मा के लिए एक सैड न्यूज़ बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कपिल शर्मा के सितारे आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे और उनके ऊपर हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई न्यू प्रॉब्लम सामने आती जा रही है। कपिल शर्मा के बारे में कुछ दिन पहले आपको ये रिपोर्ट दे चुके हैं कि कपिल शर्मा के ऊपर एक केस FIR फाइल की गई है, जिसमें कपिल शर्मा ने अपने एक शो के पैसे लिए थे लेकिन उन्होंने वो शो परफॉर्म नहीं किया था, जिसके कारण उन पर FIR फाइल की गई थी। ऑल्दो ये बहुत पुरानी बात है, बट स्टिल इस पर FIR फाइल की गई थी और कपिल शर्मा को अरेस्ट करने के बारे में भी बातें की जा रही थी। और अब कपिल शर्मा आजकल अपने जो रीसेंट टूर पर बाहर गए हुए हैं, अब उनका न्यूयॉर्क में एक शो इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, कपिल शर्मा का ये शो इसी कारण कैंसिल कर दिया गया है और उनको इसकी पेमेंट भी नहीं दी जा रही। कपिल शर्मा को यही बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा ने एक पहले एक फ्रॉड कर चुके हैं, इसलिए अब ऑर्गेनाइजर्स कपिल शर्मा के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और वो नहीं चाहते कि कपिल शर्मा फिर उनसे पैसे ले लें और उनके शो में परफॉर्म ना करें। जबकि कपिल शर्मा का कहना है कि वो उस सब पर उनको ये बात बता सकते हैं कि उन्होंने वो शो क्यों नहीं किया और उन्होंने उसका लॉस भी भरने के बारे में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब तक वो लॉस भी नहीं भर सके और इसी कारण ऑर्गेनाइजर्स ने कपिल शर्मा का ये शो कैंसिल कर दिया है। और रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के नेक्स्ट प्रोग्राम्स को भी कैंसिल किया जा सकता है और कपिल शर्मा का ये टूर जो अब तक बहुत ज़्यादा हिट और सुपर डुपर हिट जा रहा था, वो फ्लॉप हो सकता है और कपिल शर्मा के ऊपर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। कुछ दिन पहले आपको ये भी पता है कि कपिल शर्मा शो भी बंद कर दिया गया था, जिसको बाद में दोबारा से सलमान खान के ऑन करने पर उसको ऑनर कर दिया गया है। लेकिन अब कपिल शर्मा के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है और कपिल शर्मा का अगर ये शो बैन किया जाता है और ये शो अगर कैंसिल किया जाता है तो कपिल शर्मा के लिए बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आप कपिल शर्मा को इस मुश्किल वक्त में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।